चुनावों की तारीख जैसे जैसे करीब आ रही है, देश का सियासी पारा भी चढ़ता जा रहा है। सभी सियासतदान अपने अपने जुबानी तीर छोड़ रहे हैं। कांग्रेस ने जहां बीजेपी की चौकीदार मुहिम को घेरना शुरू किया, तो वहीं बीजेपी ने सबको चौकीदार बना दिया। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 लाख चौकीदारों से ऑडियो ब्रिज के जरिए बात की, तो वहीं कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने उन्हें नफरत की राजनीति करने वाला करार दिया। एवरी सिंगल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इन द कंट्री टुडे, देयर इज ओनली वन क्वालिफिकेशन। यू डोंट नीड टू नो साइंस, यू डोंट नीड टू नो इकोनॉमिक्स, यू डोंट नीड टू नो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, नथिंग। As long as you know how to put on a pair of shorts, hold a lathi in your hand, and spread hatred in the country, you can be the vice chancellor of any university you want. Is this the India we want? 3.5 lakh crore rupee Narendra Modi ji ne 15 logon ka karza maaf kiya hai. Anil Ambani, 45,000 crore rupees he owes the Indian banking system. His brother had to save him from going to jail. उस चौकीदार के संस्कार बनाए रखना है, उसके भीतर का चौकीदार जिंदा रखना है। वो जहां भी हो, जिस काम को करता हो, जैसे भी करता हो, लेकिन देश के चौकीदार का काम वो कभी छोड़ेगा नहीं। और हिंदुस्तानी के भीतर चौकीदार जिंदा रहना चाहिए। नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट डिस्ट्रॉयड। चौकीदार मोदी सरकार ने 1 करोड़ से अधिक नौकरियां तबाह कर दी हैं। दे डिस्ट्रॉयड 1 करोड़ जॉब्स अक्रॉस द कंट्री। बच्चे के भविष्य को संवारता है वो सबसे बड़ा चौकीदार है। एक डॉक्टर किसी बीमार की जिंदगी बचा लेता है, वो भी सबसे बड़ा चौकीदार है। इस सेना का जवान पूरी भारत माता की रक्षा कर देता है, वो भी बड़ा चौकीदार है। तो जैसे आप अपने जिम्मेवारी को चौकीदारी की चौकन्नी परिस्थिति में निभाते रहते हैं, मैं भी अपने आप को एक चौकीदार मानता हूँ। मुझे 500 रुपए का 1000 रुपए का नोट अच्छा नहीं लगा, मजाक बना रखा है। मैं 500 रुपए के 1000 रुपए के नोट को रद्दी कर रहा हूं और हिंदुस्तान के छोटे दुकानदारों का, स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस को नष्ट कर दिया, खत्म कर दिया, बर्बाद कर दिया। देशवासियों को हमारी सेना पर गर्व होना चाहिए, हमारी फौज पर गर्व होना चाहिए। तो जान की बाजी लगा करके हमारे लिए कितना बड़ा पराक्रम किया देश ने। विपक्षी पार्टियों का जो रवैया देखा है उससे हर कोई हैरान है, दुखी है, परेशान है। दरअसल टुकड़े टुकड़े गैंग को समर्थन देने वाले लोग इस बात को हजम ही नहीं कर पा रहे हैं कि हमारी सेना ने किस प्रकार पाकिस्तान की सीने पर जाकर के बम बरसाए। इस सबके बीच परिवारवाद को लेकर भी कांग्रेस और बीजेपी के बीच सियासी घमासान छिड़ गया है। पीएम मोदी ने परिवारवाद पर ब्लॉग लिखा तो दोनों दलों में वंशवाद पर महाभारत छिड़ गई। और दूसरा ये कि जो उनके खिलाफ बोलते हैं वो डरते हैं, बिल्कुल डरते नहीं है। चाहे कुछ भी करें, हमें जितना प्रताड़ित करें, हम डरते नहीं है। हम उनके खिलाफ लड़ते रहेंगे, जितना हमें करेंगे उतनी जोर से हम लड़ेंगे। कि वहां परिवार से बाहर कोई व्यक्ति नेता या अध्यक्ष नहीं बन सकता, वो कांग्रेस कहां गायब हो गई है? आज एक परिवार में सिमट गई है जहां व्यक्तिगत क्षमता गौण है, आपकी विरासत क्या जरूरी है। द बीजेपी हैज सिस्टमैटिकली अटैक्ड एवरी इंस्टीट्यूशन इन दिस कंट्री फॉर द लास्ट 5 ईयर्स। 5 साल में इन्होंने हर संगठन पर हमला किया, आपके संगठनों पर भी। उन्हें लगता है कि जनता मूर्ख है। सो आई थिंक द प्राइम मिनिस्टर शुड स्टॉप थिंकिंग दैट पीपल आर फूल्स एंड अंडरस्टैंड दैट दे सी थ्रू ऑल दिस।
इलाहाबाद से बनारस तक प्रियंका गांधी की 3 दिन की गंगा यात्रा बुधवार को खत्म हो गई। गंगा किनारे से प्रियंका गांधी की नैया पार लगती है या नहीं, ये तो भविष्य की कोख में है। लेकिन जो बात साफ है वो ये कि फिलहाल चौकीदार शब्द पर विवाद थमने वाला नहीं। अब अंबानी के साथ कुछ सालों बाद जो है भागीदार भी दिखाई देंगे, अडानी के साथ होंगे या अनिल अंबानी के साथ होंगे, ये देखने की बात है। फोक करके कहा है कि हम देश के कमजोर तबकों के, गरीबों के, किसानों के, मजदूरों के, नौजवानों के हितों की चौकीदारी करेंगे, और आज इस बात को गर्व से कहा जा रहा है। अब अगर उनको जो है इस पे भी आपत्ति हो गई है तो मुझे लगता है कि या तो वो अभी जमीन की हकीकत अभी सियासी सैर करने दीजिए, उनका पॉलिटिकल पर्यटन होने दीजिए, उसमें बहुत सी चीजें उनको अभी समझ में आएगी। सुबह जिसकी चोरी पकड़ी गई वो चौकीदार है कि चोर है? अब शिवराज सिंह चौहान भी इनकी खुलेआम चोरी पकड़ी गई व्यापक में। चौकीदार पर ऐलाने जंग तब हुआ जब गंगा किनारे से प्रियंका ने हुंकार भरी कि चौकीदार तो अमीरों के होते हैं। कांग्रेस को इसके साथ ही बीजेपी पर बाउंसर डालने के मौके मिल गए। इधर बीजेपी नेताओं ने भी तय कर लिया कि वे हर बॉल पर सिक्सर लगाएंगे। ऐसे में फिलहाल ये सियासी जंग रुकती नहीं दिखती और चुनावी परिणाम तक देश के हर गली नुक्कड़ में जारी रहेगी ये बिग फाइट। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।